हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को यूट्यूब चैनल मैथ वाले बाबा के क्लास पर। दोस्तों देखिएगा, हम लोग 7.1 का एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 10th की मैथमेटिक्स चली। दोस्तों मैं कल एक क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, डिटरमाइन इफ द पॉइंट, यानी आपको डिटरमाइन करना है दोस्तों, क्या करना है, चेक करना है इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। कह रहा है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, आपको चेक करना दोस्तों, यही क्वेश्चन में लिखा है। तो चलिएगा, कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैं आपको फंडा बताता हूं। यानी यहां पे 3 पॉइंट आपके सामने दिया गया है और तीनों को आपको चेक करना कि कोलिनियर है कि नहीं। सबसे पहले आपको कोलिनियर जानना होगा कि कोलिनियर माने क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर क्या कर जाए बच्चों, लाई कर जाए। जैसे मान लेता हूं एक लाइन बनाया हमने, एक स्ट्रेट लाइन बनाया, अगर इस स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट क्या करेंगे, लाई कर जाएंगे, तो कहेंगे बेहद 3 पॉइंट आर कोलिनियर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ 1, 5 और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ 2, 3 और यहाँ पर ले लेता हूँ -2, -11। दोस्तों देखिएगा, 3 पॉइंट हमने बना लिया। अब हमें इसी चीज को चेक करना है, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, हाउ कैन प्रूव दैट, इसे कैसे हम प्रूव करें, इसका नाम रख दीजिए पी, इसका नाम रख दीजिए क्यू, इसका नाम रख दीजिए आर। 3 पॉइंट रख दिया पी क्यू आर। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, PQ के बीच का स्लोप निकालूंगा और QR के बीच का स्लोप निकालूंगा। अगर PQ के बीच का स्लोप QR के बीच के स्लोप के बराबर आएगा तो मैं कहूंगा कि PQR आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निकालते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ PQ, यानी PQ के बीच का स्लोप निकालते हैं दोस्तों। कैसे निकालेंगे, 3 - 5 अपॉन 2 - 1 कितना आएगा दोस्तों, -2 - 2 अपॉन 1 यानी -2 आएगा। अब QR के बीच का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ QR क्या आएगा दोस्तों, -11 - 3 - 2 - 1 - 2 - 2 कितना आएगा दोस्तों, तो -14 हो जाएगा और नीचे कितना जाएगा -4, तो कैंसिल आउट, 2 - 2 = 2, 7 यानी 7 अपॉन 2 आ गया दोस्तों। देखिएगा PQ के बीच का स्लोप डिफरेंट आ रहा है QR के स्लोप का डिफरेंट से। देखिए दोस्तों, तो PQ के बीच का स्लोप डज नॉट इक्वल टू QR के बीच का स्लोप, ठीक है दोस्तों, दोनों बराबर नहीं आया, तो लिख देंगे कि PQR कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना, नॉट कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर नहीं है दोस्तों। आपको बहुत मजा आया होगा, समझ में आया होगा आप सभी लोग को, बहुत ही बेसिक बताया हूं दोस्तों कि अगर 3 पॉइंट को आपको चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं, तो पहले तीनों पॉइंटों के बीच का आप स्लोप निकालिए दोस्तों, यानी PQ के बीच का स्लोप, QR के बीच का स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप अगर बराबर आ जाता है तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, और मान लो अगर बराबर नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होगा दोस्तों। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आया होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जुड़ते रहिए चैनल से।